हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं और आपको भी जानना है कि सब्सक्राइबर को हम लोग हाइट कैसे कर सकते हैं स्टार्टिंग के टाइमिंग में, तो स्टार्टिंग के टाइम आप अपने सब्सक्राइबर को हाइट कर सकते हो जहां आपके कोई भी सब्सक्राइबर को देख नहीं सकता है। तो बहुत ही अमेजिंग ट्रिक आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, बहुत ही आसान तरीका, ऐसा यूट्यूब में कोई नहीं बताया हुआ इतना आसान तरीका। ओनली 2 मिनट का प्रोसेस है जिसको आपको देखना पड़ेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा और आसानी से आप अपने सब्सक्राइबर को हाइट कर सकते हो। अगर आप भी एक यूट्यूबर हो तो सिंपल है कि स्टार्टिंग के टाइम में आपके कम सब्सक्राइबर सभी लोग को दिख जाते हैं, तो आप सभी सोचते हो कि हम सब्सक्राइबर को कैसे हाइट कर सकते हो। जैसे कि आप हमारे चैनल पर देख रहे होंगे, मेरे भी सब्सक्राइबर हाइड है, लेकिन अब आपको ये ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप अपने सब्सक्राइबर को कैसे हाइट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शुभम YT। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइबर को हाइड करने के लिए आपको अपने क्रोम पे जाना पड़ेगा। तो जैसे कि हम अपने क्रोम पे जा रहे हैं, अगर आपके में भी क्रोम है तो आपको क्रोम पे जा सकते हो, या फिर अगर कोई ब्राउज़र है तो आप अपने ब्राउज़र पे जा सकते हो। तो हम यहाँ पर अपने क्रोम पे आ गए हैं, ठीक। अब क्रोम पे जाने के बाद क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा इसको, डेस्कटॉप जो आप, ठीक। तो आपको 3 डॉट को ओपन करना है, जो आपको यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है 3 डॉट। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, डेस्कटॉप साइट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग डेस्कटॉप साइट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने डेस्कटॉप साइट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर यूट्यूब, अगर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है तो उसको आप डायरेक्ट ओपन कर लो। अगर आपके पास यहाँ पर यूट्यूब का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर www. या फिर YouTube.com करके आप ओपन कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट YouTube करके आप सर्च कर लेना, तो यहाँ पर डायरेक्ट YouTube ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं बताता हूँ सारी प्रोसेस, स्टार्टिंग से अंत तक पूरा देखना, आपको आसानी समझ आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना। अब यहाँ पर देख सकते हो, अब यहाँ पर हमारा एक YouTube चैनल ओपन हो गया है। अब इसके बाद इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाते हैं क्योंकि मोबाइल है। अब यहाँ पर देख सकते हो ऊपर अब प्लस का है, मतलब जहाँ विडरते हैं, इसके बाद नोटिफिकेशन है और बगल में हमारा चैनल का आइकन आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हम आपको क्या दिखाएंगे, अब यहाँ पर चैनल के आइकन पे आपको टच करना है। तो जैसे आप चैनल के आइकन पे टच करते हो, उसके बाद यहाँ पर योर चैनल का पहला ऑप्शन है, तो आपको भी योर चैनल को ओपन करना है। स्किप मत करना वरना आप समझ नहीं पाओगे अच्छे से, बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ मैं। इसके बाद क्या करना है, देख सकते हो टेक्निकल शुभम YT यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, कस्टमाइज चैनल एंड यूट्यूब स्टूडियो बीटा, ठीक। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कस्टमाइज चैनल को ओपन करना है। तो यहाँ मैं बस कस्टमाइज चैनल को टच कर दिया है, तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पर ओपन हो चुका है मेरा कस्टमाइज चैनल। के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वीडियो मैनेजर पे जाना है, ठीक। अब यहाँ पर जो वीडियो मैनेजर का ऑप्शन दिख रहा है, आपको वीडियो मैनेजर पे जाना है। तो वीडियो मैनेजर पे जाने के बाद अब आपको बता रहा हूँ क्या करना है। अब हो गया, बस ओनली 1 मिनट का और आपके पास काम बचा है। कोई भी आपके पास क्रोम है ब्राउज़र, या फिर क्रोम है, या फिर कोई भी ब्राउज़र हो, यूसी ब्राउज़र हो, आप उसमें भी इसको ओपन कर सकते हो। अब बहुत लोग होते हैं गलतियां करते हैं कि यहाँ से उनको पता नहीं चलता कि हम कहाँ जाएं। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे नीचे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखता है, देख सकते हो यहाँ पर सबसे नीचे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। अब हम इस सेटिंग को ओपन करते हैं। तो जैसे आप सेटिंग को ओपन करते हो, अब यहाँ पर आपको दिख सकते हो, यहाँ पर आपको जनरल का ऑप्शन दिखेगा। जनरल का मतलब ये होता है कि आपका जो करेंसी, जो आपका पैसा है करेंसी, वो किस में आए, तो डॉलर में आता है, ठीक। चैनल, आपको चैनल पे टच करना है। तो आप जैसे ही चैनल पे टच करते हो, यहाँ पर मेरे कीवर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पर अपना कीवर्ड भी आप डाल सकते हो। तो बहुत ही अच्छा ये है, देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपना कीवर्ड डाला हुआ है, तो यहाँ पर आप भी अपना कीवर्ड डाल सकते हो। कीवर्ड मतलब ये होता है कि आप अपने चैनल पर टैग लगा रहे हो, अपने चैनल पर टैग, ना कि वीडियो पर। अब यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर जाने के बाद अब आपको करना क्या है, डू यू वॉन्ट टू सेट योर चैनल इज मेड फॉर किड्स, तो यहाँ से आप नो कर देना, या फिर अगर आपका बच्चों के लिए वीडियो बनाते हो तो यस कर देना, अगर नहीं बनाते हो तो नो कर देना। मैं तो नो। आप थोड़ा नीचे आना यहाँ से, ठीक। आपको नीचे आना है, अब यहाँ पर दिख सकते हो सब्सक्राइबर काउंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर हम इसको यहाँ पर राइट का ऑप्शन करते हैं
और यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं तो मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं आपको दिखने लग जाएगा। पर स्टार्टिंग के टाइम में कम सब्सक्राइबर होने के कारण उसको बहुत लोग हाइड करके रखते हैं, तो मैंने भी यहाँ पर हाइड करके रखा है। तो यहाँ से सब्सक्राइब काउंट को मैंने हाइड कर दिया। और भी नीचे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट का है, स्टेटस एंड फीचर्स है, तो यहाँ से आप कई सारे फीचर्स को भी देख सकते हो। तो ये तो बहुत ही छोटा और बहुत ही अच्छा ट्रिक अपने चैनल को, अपने वीडियो को, अपने चैनल को सब्सक्राइब को हाइड कैसे कर सकते हैं, ओनली 2-3 मिनट में मैंने बता दिया इस वीडियो में। तो बस आज का वीडियो इतना ही है, अगले वीडियो मिलते हैं एक अच्छे इंटरेस्टिंग के साथ। तो बने रहें हमारे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आप भी अगर नए यूट्यूबर हैं तो लाइक करके सबसे पहले बेल आइकन दबा देना। तो चलो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।